मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विगत दिनों जल जीवन मिशन कार्यों की समीक्षा के दौरान इसे राज्य और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताते हुए अधिकारियों को गंभीरता पूर्वक काम करने और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने जल जीवन मिशन की प्रगतिरत कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने को कहा था। इस लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी मिशन के कार्यों पर नाखुशी जाहिर करते हुए अधिकारियों को ज्यादा से ज्यादा गांवों में शत प्रतिशत घरों में नल से पानी पहुंचाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लापरवाह और त्रुटिपूर्ण रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अति महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन हर घर तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंचाने की ये योजना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, न केवल केंद्र सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए, अपितु आम जन के लिए ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन में जिस तरह से बार बार निर्देशों के बावजूद कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई और जिस प्रकार से रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं हुई, इसके कारण 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को निलंबित किया गया है। अंबिकापुर, बिलासपुर, बेमेतरा, जगदलपुर, सुकमा, ऐसे 6 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है। 4 को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही सीटी से एक विस्तृत इंक्वायरी का भी निर्णय सरकार ने लिया है ताकि वास्तविक स्थिति सामने आए। इसके अलावा 144 ऐसी योजनाएं जिनके अनुबंध की तिथि समाप्ति के 3 साल से भी अधिक समय बीत जाने के बावजूद वो काम पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे 144 कामों के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर को निर्देशित किया है कि ठेकेदारों के ऊपर कार्यवाही करें। जल जीवन मिशन, जैसे मैंने बताया कि अति महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। आगे भी यदि किसी को लापरवाही करते हुए पाया गया इस योजना के क्रियान्वयन में, तो आगे भी कठोर कार्यवाही करने से विभाग झुकेगी नहीं। ये जनता के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण योजना है, इसका ठीक प्रकार से क्रियान्वयन सुनिश्चित करना ये सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।